Hi, this is Parul and you are welcome to my channel, The Kitchen's World of Recipes. आज मैं आप सभी के साथ रतलामी सेब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, फ्लेम को हम लो रखेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, 8 से 10 काली मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच सौंफ हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब हम सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे। मसालों को हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से भून गई हैं, अब हम इन्हें एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और एक फाइन पाउडर रेडी करेंगे। अब हम इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे 2 पिंच हींग, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, जिसे मैंने पहले ही छान कर रख लिया था। बेसन मैंने 2 कप लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और अपने हाथों से इसे हम मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब इस तरह का डो फॉर्म होगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। हम डो को अच्छी तरह से मसलते हुए नीड करेंगे। यदि आप चाहें तो इसमें हम थोड़ा सा तेल डालकर भी नीट कर सकते हैं। हमारा डो रेडी है, इसे हम साइड में रखेंगे। इसके बाद हम सेव मेकर को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। सेव बनाने के लिए हम यहाँ पर बड़ी जाली का यूज़ करेंगे। जाली को हम सेव मेकर के अंदर डालेंगे। अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसे अपने हाथों से रोल करेंगे। फिर हम इसे सेव मेकर में डाल देंगे। सेव मेकर को हम बंद करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और इसे चेक करेंगे। तेल को हम मीडियम हीट पर गर्म करेंगे। हमारा तेल रेडी है। अब हम मशीन को केयरफुली कढ़ाई के ऊपर पकड़ेंगे और इसके हैंडल को घुमाते हुए जब सेव कढ़ाई में पहुंचने लगे तब हम मशीन को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। फिर हम सेव को बीच से तोड़ देंगे और इन्हें दोनों साइड से डीप फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। थोड़ी देर के बाद इन्हें हम टर्न कर देंगे। ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। सेव को हम ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, हल्का कलर चेंज होने तक ही फ्राई करना है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे
सबसे पहले हम इसको साइड में रखेंगे और तेल को ड्रेन कर देंगे। इसके बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी तरह से बाकी की सेव भी बना लेंगे। सबसे पहले हम मशीन को केयरफुली पकड़ेंगे और गोल घुमाते हुए हम सेव को तेल में डालेंगे। फिर हम इसे कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब सेव दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब इनका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इसके बाद हम इसे कलछी की हेल्प से साइड में करेंगे और तेल को ड्रेन कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। हमारे घर पर बने रतलामी सेव बनकर रेडी है। इन्हें हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम एक एयर टाइट जार या कंटेनर में भर देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेव और बहुत ही टेस्टी बने हैं और टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। अपने फीडबैक या सजेशंस नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और ऐसे और भी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।